विशु दी पी रही है नींबू सोडा, मैं पी रही हूँ लेमन सोडा और पापा पी रहे जलजीरा। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं पिया। और बेटे को पार्टनरशिप में काम चलाना पड़ रहा है। एक दिन की शादी करो, दो ड्रेस सिलवाओ, मस्त फटाफट काम। अगर इन्फ्लुएंसर भी होते तो कर सकते। अरे अभी लग गए तू। सही है, देखना उसमें मेरा आगे पीछे का घूम रहा है। मिस्टेक है उसमें। इतना भैया उसका तो उसके लिए सेम आंसर आउट हो गया होगा। मजा तो आया। बोलता रहा भयंकर। कैसा लग रहा है बेटू ड्रेस? एक नंबर का चंपू। सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, थर्टीन, फोर्टीन। तो आज हमने बहुत सारी शॉपिंग की है। गौरव बैंगल्स, हमने बहुत सारी बैंगल्स ली है, मतलब सारी ड्रेसेस की ले ली ऑलमोस्ट। सो गाइज, हम आए हैं क्लॉथ मार्केट में लहंगा डिजाइन क्या फाइनल करने के लिए। उसके बाद आज कौन सा दिन है? आज पाँच दिन से घूम रहे हैं। हाँ, हम पाँच दिन में से मार्केट में घूम रहे हैं, मास्क और कैप लगा के, चश्मा लगा के, पूरा पैक होके, ताकि कोई वैसा फैन मूवमेंट ना हो जाए हमारे साथ। फिर भी पता है अभी क्या हुआ कि हम एक शॉप के बाहर गए और हमने पूछा मटेरियल का और उन्होंने सीधे पहचान लिया शिखा, सेलिब्रिटी आए। पूरा कवर थी ना मेरा, चश्मा लगाया था, मास्क पहना था, कैप लगाई थी, फिर भी पहचान गए। तो अभी हम चलते हैं, लहंगा आपको दिखाएंगे। तो गाइस, मेरा बहुत फेवरेट है ये। मैं जब भी सराफा आती हूँ, मैं शाम से बहुत ज़्यादा जिद करती हूँ इसकी। और अभी हमें यहाँ पर मिले बहुत सारे कलर के, और इनके पास ये भी है। ये क्या है भैया? थोड़ी बचपन की यादें ताज़ा हुई। लेना है बट शान नहीं आया था, फैन का वेट कर रहे हैं और ये दोनों कन्याएं ये काम कर रही है। बस चलते हैं ड्रेस लेने के लिए, जो हमें लहंगा पसंद आया था ऊपर है वो शान आ जाए, फिर चलते हैं या फिर देखते हैं इनका जब मन भरा जाए ये बबल से, फिर चलेंगे। क्या कर रही है? ऐसे नहीं करते, ऐसे करते देखो। अरे और खुला हुआ है। अभी डूब जाएगा। देखो इन्हें, ये हैं ओस की बूंदे। सो गाइस, बहुत सारे लहंगों में मुझे ये वाला लहंगा पसंद आया जो कि पिंक कलर का है और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हमने बहुत सारे लहंगे देखे थे, रेड कलर का, मैरून कलर का, बट शान को भी ये वाला बहुत ज्यादा पसंद आया और हमने बहुत ज्यादा मस्ती की जब हम ये फाइनल करने गए थे। शान ऑफिस से आए थे तो बहुत ज्यादा थके हुए थे और फिर हमने उनकी शेरवानी भी यहाँ पर देखी बट हमें कुछ पसंद नहीं आया। अभी हम और भी देख रहे हैं। सो मैचिंग के लिए शान को भी सेम दुपट्टा ओढ़ाया गया बट वो इतना खास नहीं लग रहा था मुझे। बाकी हमारा जो ड्रेसअप था वो मैच हो गया था बट अच्छा नहीं लग रहा था तो हमने वो वाला फाइनल नहीं किया, सिर्फ मेरा लहंगा ही फाइनल किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फिर से मार्केट के लिए निकल गए क्योंकि जैसी ड्रेसेस मुझे चाहिए थी वैसी नहीं मिल रही थी, रेडीमेड नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ स्टिच करवा लेती हूँ
कुछ कुछ फंक्शंस के लिए, तो हम क्लॉथ्स लेने के लिए गए मार्केट और बहुत ज्यादा हमने ढूंढा, क्योंकि जैसे मुझे चाहिए थे जो कलर में चाहिए थे वो मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। उसके साथ बहुत सारी चीजें लगती है, उसके अंदर की भी मीन्स अस्तर लगता है या केन लगती है, तो वो सारी चीजों में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा। और फिर हम गए लहंगा देखने के लिए दूसरी शॉप पर। मैंने सोचा कि अगर उस लहंगे से कुछ अच्छा मिल जाता है तो हम यहाँ पर देख लेंगे। वाला जो कलर है ना, ये जो नीचे रखा हुआ है ना, ये वाला कलर है ना, हाँ। जो जिसके बाद खड़े थे वो, हाँ। पिलो, उस कलर को बोलते हैं ये ब्लैक कलर। और कहाँ से कहाँ तक वो ब्लैक कलर लग रहा है, पूरी बहस हो गई। मानने को तैयार नहीं। मैंने बोला भैया मैं आर्टिस्ट हूँ, ब्लैक कहाँ से लग रहा है ये बता। बोला कंपनी बोल रही है। फिर कंपनी क्या बोले आप। अरे कहना क्या चाहते हो, ऐसा कर लेते। हाय ब्रो, क्या दीदी उल्टा खोल दिया आपने, दीदी उल्टा खोल दिया आपने। दिखाती नहीं आता आपको, छोटी कर दी दीदी। दीदी आप भी तो कुछ बोलो। दीदी अच्छा लग रहा है मेरा दुकान। क्या फर्स्ट है आज सो हम जहाँ पर भी जा रहे थे वेदिका को हम शॉप के अंदर भेज देते थे कि कुछ अच्छा सा निकाल कर ला, कुछ अच्छा सा लेकर आ, जो हम सोच रहे हैं वैसे ड्रेस बन पाए। हर बार जाकर यही करते थे तो वेदिका बिल्कुल लेकर आती थी। और मुझे व्हाइट पहनना था हल्दी के लिए, जो कि ड्रेस मैंने डिजाइन की थी और वो बहुत ज्यादा ढूंढा बट मिल ही नहीं रहा था। कुछ कुछ चीजें अलग अलग मिली, मीन्स जो ब्लाउज है उसका कुछ कहीं से लिया हमने, नीचे का कहीं और से लिया, वो मैंने धोती बनवाई थी। और फिर सबसे लास्ट में वो दोनों लेने के बाद वो बन गए, फिर हमें पता लगा कि नहीं वो ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, थोड़ा सा उसके ऊपर और कुछ भी करना पड़ेगा। तो दुपट्टे के लिए हम फिर से गए और हमें सेम कलर नहीं मिला, फिर हमने कुछ और उसके लिए किया, मीन्स लेस सेम ढूंढी, फिर लेस लगाई। बहुत ज्यादा एंजॉय कर लिया हमने ये सारी चीजें। सो अब हम समोसा खाएंगे और फिर आगे की शॉपिंग करेंगे, जो कि बहुत सारी बची हुई है। सो ये राधिका टेलर्स वाले भैया है जिन्होंने की मेरी सारी ड्रेसेस बनाई है। पहले मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा बनाकर देंगे या नहीं देंगे। तो पहले मैंने इनसे एक ड्रेस बनवाई जो कि इन्होंने बहुत ही शानदार बनाई, फिटिंग बहुत अच्छी थी और उसके साथ जैसा मैं चाहती थी वैसा का वैसा सेम लुक मुझे मिला। सो फिर बाकी की जितनी भी ड्रेसेस थी मैंने इनसे ही बनवाई है और नहीं परेशान हुई मैं कुछ भी ढूंढने के लिए। जो मुझे जैसा पसंद था वैसा फैब्रिक मैंने लिया और स्टिच करवाया। ठीक है, डेट अपन उसी समय डिसाइड करेंगे, रेट अपन उसी समय डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसा काम रहेगा कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं होगा। हेलो एवरीवन, सो हमारी शॉपिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। देखो देखो तो हमने बहुत सारी चीजें ली है यहाँ पर भी, हमने लिया क्योंकि हम राजबाड़ा आए थे तो हम एक्स्ट्रा से नहीं आ पाए, ना बलेनों से आ पाए, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा। एक दिन मैं आ गई थी, जैसे जैसे मैंने कार पार्क की पिछले संडे से अभी तक घूम रहे, शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लिया हमने, बस अब घर जा रहे हैं, थक गए। तो गाइस आज हमने दिन भर बहुत ज्यादा शॉपिंग की और आज सब मेरे घर पर रुक रहे नाइट आउट के लिए, मेरे सारे टीम मेंबर, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ पास्ता। तो बघार कैसे लगाते हैं वो सीख लो। पहले हमने डाला थोड़ा सा ऑयल और फिर हमने उसमें डाला थोड़ी सी राई, वो जो बारीक बारीक से आती है, और फिर हमने उसमें डाला प्याज। और एक टिप देती हूँ मैं आपको, प्याज में अगर आप नमक डालते हैं तो वो जल्दी गोल्डन हो जाता है। मेरा तो पहले ही हो गया, मेरा ऑयल ज्यादा गर्म था, फिर मैं डाल देती हूँ। अगर किसी को खारा लगे तो चुपचाप खा ले, किसी को बोलने की हिम्मत है क्या कि खारा लग रहा है। डालते हैं मैगी पर, हाँ हाँ, थोड़ी सी सेव खोलो। ये देखो, ये बिहाइंड द सीन।
पहले सेव खोलो, थोड़ी सी सेव डालने का। सो हम डालेंगे हमारे पास्ता में सेव। देखा ये रेसिपी सीख लो, थोड़ी सी और सेव। नहीं नहीं ठीक है, थोड़ी सी देखो ऐसे करके ऐसे डालते हैं। अरे मेरे को बाल के लिए कुछ लाके दो फटाफट। सो गाइस हम बहुत दिन से शॉपिंग कर रहे थे, आपको दिखाई दे रहा होगा ये दोनों मेरे साथ। हम बहुत दिन से हमारी जो लहंगा है शेरवानी है वो ढूंढ रहे थे, बट आज हम आए हैं ज्वेलरी लेने के लिए क्योंकि आज पुष्य नक्षत्र है। तो हम आए हैं यहाँ पर और चलते हैं अंदर, फिर आपको बताते हैं, कुछ पसंद आएगा तो